सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना आज के ज़माने में आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो भैया बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप रोड पे चलते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं कहीं किसी गाड़ी से धक्का ना लग जाए, उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लिंक, मैसेजेस, पॉपअप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे आपको आएंगे, टेक्स्ट मैसेज के रूप में आएंगे, कॉल्स के रूप में आएंगे। तो अगर सावधानी ना बरती, किसी को भी कुछ भी समझ के अगर आपने आंखें बंद करके कुछ भी किया तो बहुत ज़्यादा घाटा, नुकसान, रातों की नींद, चैन, सुकून, सारा कुछ आप गवा सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे देश में जो इमरजेंसी लोन, इंस्टेंट लोन, क्विक लोन सर्च करते हैं और फिर उनको फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, गूगल प्ले स्टोर पे मिलते हैं फर्जी लोन ऐप, जो कि लोन देने का वादा करते हैं कि 50,000, 1 लाख का लोन मिलेगा 90 दिनों के लिए, 180 दिनों के लिए, 6 महीनों के लिए, 1%, 2% ब्याज में। हकीकत यह है कि जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, अपनी डिटेल्स भरते हैं तो बताया जाता है कि नहीं, आपको बहुत ही कम पैसा दिया जाएगा बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न, 2 से 3 हज़ार रुपये, और वो भी कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। आप छोड़ दे तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक आपके खाते में पैसे डाल देंगे बिना आपसे के मांगे हुए या बिना आपकी ज़रूरत के कि भैया इतने पैसे। अब फिर 7 दिनों में कहेंगे भैया डबल भरो, नहीं भरोगे या जितना आया है उतनी भरने की बात करोगे तो फिर आपको डराएंगे, धमकाएंगे, कॉन्टैक्ट पे फ़ोन करने के नाम पे, मैसेज करने के नाम पे सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको भेजेंगे, आपका आधार कार्ड, व्हाट्सएप भेजेंगे, फ़ोटो मॉर्फ करके भेजेंगे, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि आपको डराएगा, भयभीत करेगा। एक पल के लिए आप पैनिक हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या करूं नहीं करूं, डर के मारे पैसे दे दोगे। चलो एक बार की बात है, देख के छुटकारा पाएं, बाहर निकलें। देने के बाद फिर अगले ही 24 घंटे में फिर दोबारा खाते में पैसे, और फिर अगले हफ्ते वही सिलसिला जारी रहेगा। यानी देने का मतलब है और ज़्यादा फंसना, और ज़्यादा दलदल, और अपने आप को ब्लैकमेल करवाना। अब बचना कैसे है, पता तो था नहीं, इसलिए गलती जाने अनजाने में फंस गए। अब इससे बाहर कैसे निकलें? फ़ोन बंद कर दें, व्हाट्सएप बंद कर दें, सिम बंद कर दें, थाने चले जाएं। क्या ये समाधान है? क्या पुलिस वाले इनको पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं? क्या सिम बंद कर देने से ये कॉन्टैक्ट पे फ़ोन मैसेज नहीं करेंगे? सारे कॉन्टैक्ट वाले तो अपना फ़ोन मैसेज नहीं करेंगे। अब इससे बचना क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जब चीज़ें पता चल जाएंगी तो ना डर लगेगा, ना परेशान होंगे, ना भयभीत होंगे, ना वो ब्लैकमेल कर पाएंगे। कैसे बचना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बच सकेंगे। इसलिए आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, जिससे कि ना कॉन्टैक्ट पे फ़ोन मैसेज जाने का डर, ना बदनामी का, ना उनको पैसे देने का, ना परेशान होने का। किसी भी लोन ऐप का पेमेंट ना करें, किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, किसी भी ना करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, बाकी लोगों को भी जागरूक करें वीडियो शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब।